लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार तिहार से सरकार, केजरीवाल का आगाज, कुर्सी पर लगातार सियासी पलटवार, दूसरे राज्यों के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री पर जब जब लटकी थी तलवार। आइए जानते हैं कैसे चली थी उनकी सरकार, क्या इस्तीफा ही एकमात्र उपाय। लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार जेल से सरकार चलाने की नौबत आ चुकी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लिकर करप्शन केस में गिरफ्तारी हुई और हाल ही में उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। 2021 में दिल्ली सरकार लिकर पॉलिसी लेकर आई और जिसके तहत प्राइवेट वेंचर को शराब बेचने की अनुमति मिली, लेकिन आरोप है कि पैसे लेकर लाइसेंस दिया जा रहा था। ईडी ने कोर्ट में सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया और कहा कि दिल्ली की शराब नीति बनाने में केजरीवाल सीधे तौर पर शामिल है, और इन तमाम आरोपों के बाद भी आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो कुर्सी पर टिकी रहे। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि पहले भी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में जेल की हवा खा चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव पर जब गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन पर्दे के पीछे से लालू प्रसाद यादव ही सरकार चलाते रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा। जब इस मामले में उन्हें दोषी पाया गया तब फैसला आते ही उन्होंने पनीर सेल्वम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले में कार्रवाई हुई, जिसके बाद चंपई सोरेन को कुर्सी सौंप दी गई। अब सवाल है कि केजरीवाल आखिर किसे अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे या फिर नहीं। देखिए, संविधान के मुताबिक तो ये कहीं नहीं लिखा है कि जेल जाने से पहले सीएम का इस्तीफा देना आवश्यक है। अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अभी आरोप ही लगाए गए हैं। ऐसे में जब तक ये आरोप साबित नहीं होते हैं तब तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कोई भी ठोस कानून नहीं है, इसलिए फिलहाल वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि अगर जेल से सरकार चलाने की बात की जाए तो वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि जेल के भी कुछ नियम कानून हैं जिसके कारण जेल में रहकर बेहतर सरकार चलाने की उम्मीद तो आप नहीं लगा सकते हैं। इसी के कारण पहले जो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, लालू प्रसाद यादव की बात करें या जयललिता, उन सभी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन लोगों ने अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री बना दिया। खैर, ये तो साफ बात है कि किसी भी सीएम का काम सिर्फ कागज पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री के पास कई तरीके की जिम्मेदारियां होती है, कई सारे काम होते हैं जिसमें अधिकारियों से राय मशवरा करना हो या फिर एडवोकेट जनरल से सलाह लेनी हो, ऐसी तमाम जिम्मेदारियां उन पर होती है। अगर जेल में रहने की बात की जाए तो वहां पर ये सारे काम संभव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक सप्ताह में सिर्फ दो बार ही घर वालों से, दोस्तों से या किसी भी और लोगों से मिला जा सकता है। अब देखिए, ये सीधी सी बात है कि सिर्फ दो बार के मिलन से इतनी बड़ी जिम्मेदारियां तो नहीं उठाई जा सकती। खैर, इस मसले पर आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज फॉलो अस ऑन आवर सोशल पेजेस एंड स्टे अपडेटेड विद योर डेली न्यूज।